हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम फोरम एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे उनतीस अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सभी पीडीएफ अगर आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सभी पी आपको एक साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में तूफान फानी ने भारत के किन राज्यों में तबाही मचाई है तो जो तूफान फानी है भारत के दो राज्यों में आया हुआ है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यानी इस है है इसकी वजह से मोजाम्बिक जो देश है पूरा तहस नहस हो गया है तो ये दो तूफान आपको याद रखना है इडाई और फानी अब हम देख लेते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट पहला आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के जो मुख्य गवर्नर हैं राज्यपाल हैं इनका नाम है ई एस एल नरसिम्भन और ई एस एन जो नरसिम्हन है ये आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू और एन चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसका नाम है टी डी पी तेलुगू देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश में इस समय लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली के भी इलेक्शन चल रहे हैं भारत के चार राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधान सभा के चुनाव हो रहे हैं वो कौन कौन से राज्य हैं पहला आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और उड़ीसा इन चार राज्यों में हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती अमरावती जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और रेलवे ने जो अपना अट्ठारहवा नया जोन बनाया है वो बनाया है आंध्र प्रदेश राज्य में और इससे पहले रेलवे के सत्रह जोन थे अब नया जोन बनाया है जो एक और तो टोटल हो गए अट्ठारह और जो अट्ठारहवा रेलवे जोन है इसका नाम रखा गया साउथ कोस्ट रेलवे जोन हिंदी में बोलते हैं दक्षिण तट रेलवे जोन जो दक्षिण तट रेलवे जोन है इसका मुख्यालय होगा आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना भारत का पहला जो एक्वा मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है ये भी खुला है आंध्र प्रदेश राज्य में तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी अगला राज्य तमिलनाडु तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है ईडापड्डी के पलानी स्वामी यहाँ के जो गवर्नर उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित और दो क्वेश्चन और आपको याद रखना है तमिलनाडु का एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल दिया गया इसका नया नाम रखा गया एम जी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन इसके अलावा तमिलनाडु राज्य के दो त्यौहार आपको याद रखना पोंगल और जलीकट्टू ये दोनों जो त्यौहार तमिलनाडु राज्य के हैं और एक डांस पूछा जाता है तमिलनाडु का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है तो भारतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है तमिलनाडु राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है चेन्नई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा ये दिया गया है के सिवान को और के सिवान जो हैं ये इसरो के चेयरमैन हैं इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में इसीलिए बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी ऑफ इंडिया जो जी सतीश रेड्डी हैं ये डी के चेयरमैन हैं और डी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और जी सतीश रेड्डी को दो का मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम अवार्ड दिया गया था जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है चंडीगढ़ जो शहर है तीन राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़ खुद चंडीगढ़ की राजधानी है क्योंकि चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है और चंडीगढ़ हरियाणा राज्य की भी राजधानी है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारत ने टोटल मेडल जीते 16 यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए अब आपको याद रखना कि 16 में कौन कौन से जीते तो जो भारत की रैंकिंग रही वो रही आठवें पायदान पे और सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते सत्रह वो जीते हैं ईरान ने और ईरान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 पे रहा नंबर वन पे इसमें टोटल सत्रह सत्रह सोलह जो भारत जीते हैं इसमें से एक भारत ने जीता है गोल्ड छः जीते हैं सिल्वर और नौ जीते हैं ब्रांज यानी कि टोटल हो गए सोलह तो आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं यहाँ से भारत आठवें पायदान पे रहा नंबर वन पे ईरान रहा टोटल जो गोल्ड टोटल जो मेडल जीता भारत ने सोलह जीता एक गोल्ड छः सिल्वर और नौ ब्रांच किसमें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 ये कहाँ आयोजित की गई तो ये आयोजित की गई चीन के शहर जियान में दूसरा क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि इसमें जो भारत का एक गोल्ड मेडल जीता ये किसने जीता है तो ये जो गोल्ड मेडल जीता ये जीता गया बजरंग पुनिया द्वारा और जो बजरंग पुनिया ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार हाल ही में पुरुषों के ओडियाई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं तो ये इनका नाम है क्लेयर पोलोसाक ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश की और ये पहली महिला बनी है जो कि मेंस ओडियाई इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग किया है ये हैं क्लेयर पोलोसाक और ये हैं ऑस्ट्रेलिया देश से अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है मैच यानी कि क्रिकेट से वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए अगला क्वेश्चन आपको ये याद रखना कि जो आ, इंटरनेशनल स्तर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसके जो चेयरमैन हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांग मनोहर और आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है मनु सहनी आई का मुख्यालय है दुबई जो कि यूएई का एक शहर है इसके अलावा एक न्यूज और आपको आई से याद रखना है आई का अभी अभी पपुआ न्यू गुआना एक नया मेंबर बना है जिसको ओ स्टेटस मिला है यानी कि अब आई में जो पपुआ न्यू गियाना इंटरनेशनल स्तर पे ओ मैच को खेल पाएगा तो ये आपको याद रखना इससे पहले आई का एक मेंबर बना था अमेरिका और 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप है वो खेला जाएगा वेल्स और इंग्लैंड में और इसके चार साल बाद 2023 में खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप भारत में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच हाल ही में स्पेन के ला लीगा फुटबॉल लीग को किसने जीत लिया है जैसे क्रिकेट में भारत में सबसे प्रतिष्ठित होता आईपीएल लीग उसी प्रकार फुटबॉल में जो ला लीगा लीग है ये स्पेन देश का सबसे प्रतिष्ठित लीग माना जाता है और ला लीगा जो लीग है इसको जीत लिया है बार्सिलोना क्लब ने यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ए और स्पेन जो है यूरोप देश महाद्वीप का एक देश है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है इसके अलावा एक क्वेश्चन और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फी फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी उसका नाम है फ़ीफा फीफा के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ग्ञानी इन्फेंटिनो और फीफा का हेड क्वार्टर है ज्यूरिक सिटी स्विट्जरलैंड में और अभी अभी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग आई थी तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में पूरी दुनिया में जो नंबर वन देश है वो है बेल्जियम और भारत की फ़ीफा में रैंकिंग है एक सौ एक और एशिया में भारत की फ़ीफा में रैंकिंग है अट्ठारह तो इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः हाँ एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से याद रखना जो 2018 का फीफा विश्व कप खेला गया था वो खेला गया था रूस में और 2018 के फीफा विश्व कप में जो विजेता देश था वो था फ्रांस फ्रांस ने चार दो से क्रोएशिया को हराया था और इसके चार साल बाद यानी कि 2022 में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा कतर में उसके चार साल बाद यानी कि दो में जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो तीन देशों में कौन कौन से अमेरिका मेक्सिको और कनाडा ये तीन देश इन तीन देशों में 2026 में फीफा विश्व कप खेला जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः। हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप दो में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया तो मैन सिंगल में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का जो खिताब जीता वो जीता केंटो मोमेता ने यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए जो केंटो मोमेता है ये जापान देश से हैं तो ये भी आपको याद रखना है अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुरुष एकल में तो जीता केंटो मोमेता ने अब आपको बताना कि ओमेन्स यानी कि महिला सिंगल में किसने जीता तो महिला सिंगल में जीता है अकाने यामागुची ने अकाने यामागुची जो है ये भी जापान की खिलाड़ी हैं और ये जापान की पहली खिलाड़ी बनी है जिन्होंने एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप दो जीता है तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है अगर दूसरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुषों में जीता केंट मोमेता ने महिलाओं में जीता अकाने यामागुची में तो ये जो खेल है आयोजित कहाँ किया गया तो ये आयोजित किया गया है चीन के शहर हुआन में तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने अब आपको मैं बताता हूँ बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ रैंकिंग तो जो दो की वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग है इसमें पूरी दुनिया में पुरुष सिंगल में जो नंबर वन खिलाड़ी हैं वो हैं केंटो मोमेटा जो कि जापान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी अभी जीता एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 और इसमें मेन सिंगल में भारत की जो सबसे अच्छी खिलाड़ी हैं उनकी रैंक आई आठ उनका नाम है किदम्बी श्रीकांत तो पूरी दुनिया में नंबर वन है केंट मोमेटो जो कि जापान देश के हैं और भारत के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है किदम्बी श्रीकांत इनकी सबसे अच्छी रैंक आई आठ अब हम देख लेते हैं महिला सिंगल में तो महिला सिंगल में पूरी दुनिया में बैडमिंटन में जो नंबर वन रैंक है वो है ताइवान के खिलाड़ी ताई तुजी इंग की और जो महिलाओं में सबसे अच्छी खिलाड़ी हैं भारत की वो है पीवी सिंधु और ये हैं पांचवे नंबर पे तो ये इतनी रैंकिंग आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ एक और खिलाड़ी आपको याद रखना है, जापान की जापान की खिलाड़ी हैं नवमी ओसाका नवमी ओसाका जो खिलाड़ी हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं और इनकी पूरी दुनिया में नंबर वन रैंक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात हाल ही में प्लास्टिक मुक्त उड़ान संचालित करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है तो ये ऐसा करने वाला एतिहाद एयरवेज है यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है वो है ए और जो एतिहाद एयरलाइंस है एतिहाद एयरवेज ये है यूएई देश की एयरलाइंस अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ तो इसका हेडक्वार्टर है यू के शहर दुबई में अब एक और आपको जेट एयरलाइंस याद रखना है जेट एयरवेज आप सभी लोग इस समय न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे जो जेट एयरवेज है ये बंद होने के कगार पे है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो फाउंडर और चेयरमैन है वो है नरेश गोयल और जेट एयरवेज के जो सी हैं उनका नाम है सी ई जो है उनका नाम है विनय दुबे और ये एकदम बंद होने के कंगार पे है तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ हाल ही में आरबीआई ने नई सीरीज का कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की हाँ एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से मैं बताता हूँ जो यू है यहाँ से आपको दो तीन क्वेश्चन तैयार रखना पहला क्वेश्चन यू की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और अबू धाबी जो है अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया है और अबू धाबी में हिंदू पहला हिंदू मंदिर बना है इसके अलावा अबू धाबी में ही 2019 के स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स खेले गए थे और अबू धाबी में ही यूएई का जो पुस्तक मेला है अबू धाबी ये आयोजित किया गया था और अबू धाबी पुस्तक मेला में जो चीफ गेस्ट था यानी कि मुख्य अतिथि था वो था भारत इतनी न्यूज आपको यहाँ से याद रखना इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना यू का जो सर्वोच्च मेडल है उसका नाम है जायद मेडल और जायद मेडल दिया जाएगा भारत के प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के जो राजधानी है वो है धाबी और इसका जो हाईएस्ट मेडल है वो है जायद मेडल जो कि दिया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ हाल ही में आरबीआई ने नई सीरीज का कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है तो ये किया गया है बीस रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बीस रुपया अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं पहला क्वेश्चन ये है बीस रुपये का नया नोट जो कि आने वाला है इसका डायमेंशन क्या है होगा तो इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 63 थ्री एम एम इंटू वन ट्वेंटी और इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीनिश येलो कलर और इसमें जो पीछे की साइड जो फोटो होगा वो होगा एलोरा गुफाओं का फोटो तो तीन क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है और जो नोट जारी करने वाली भारत में संस्था है वो है आर आर के जो वर्तमान में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास आर से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है आर का मुख्यालय है मुंबई में इसीलिए मुंबई को कहा जा जाता है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और आर की जो इस्टेब्लाइसमेंट यानी कि स्थापना हुई थी वो हुई थी एक अप्रैल 1935 को इसीलिए भारत में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है एक अप्रैल से एक अप्रैल से इकतीस मई तक भारत इकतीस मार्च तक भारत में चलता है वित्तीय वर्ष और आर का जो नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था एक जनवरी उन्नीस को तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ हाल ही में कौन सा देश 2019 के अंत तक एग्जिट वीज़ा सिस्टम को समाप्त कर देगा तो ये ऐसा करेगा कतर देश यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी ऐसा क्यों करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके अनुसार कतर देश में जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी स्तर के जो लेबर होते हैं यानी कि जो दूसरे देशों के लेबर यहाँ जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है इसीलिए अब अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संगठन है उसने कहा है कि जो इंटरनेशनल लेवल के मजदूर हैं उनका वीज़ा आप रद्द कर दें कर दें 2019 के अंत तक ताकि वो अब आगे से यहाँ न आ पाएँ और उनका शोषण ना हो तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी कतर जो देश है मिडिल ईस्ट का देश है इसकी राजधानी है दोहा और दोहा में दो हज़ार का जो फीफा विश्व कप है यहीं खेला जाएगा कतर देश की जो मुद्रा है उसका नाम है कतारी रियाल और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना एक संस्था जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री इसको स्टार्ट में बोला जाता है ओपेक तो ओपेक से कतर देश ने अपनी सदस्यता को क्विट कर दिया है यानी कि अपनी मेंबरशिप को क्विट कर दिया है और 2022 का जो फीफा विश्व कप है ये भी खेला जाएगा कतर की राजधानी दोहा में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर दस और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हाल ही में आई ने माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क की एक समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है तो आपको बताना है इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे इस पैनल के हेड कौन होंगे तो इस पैनल के जो हेड होंगे उनका नाम होगा सुरेश कुमार सुरेश माथुर यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी अब इस पैनल का काम क्या होगा इस पैनल का काम ये होगा कि जो माइक्रो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं उनको कैसे और ज़्यादा से विस्तार किया जाए उनके लिए नियम कानून क्या होना चाहिए इसी पे यह पैनल गठन किया गया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी आई आर डी ए आई जो है इसको हिंदी में बोला जाता है बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये इंश्योरेंस यानी कि बीमा के क्षेत्र में जो रेगुलेटिंग बॉडी है ये भारत की सबसे बड़ी रेगुलेटिंग बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की इसका मुख्यालय है है, हैदराबाद तेलंगाना में और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया और आई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आई जो है इसका किस क्षेत्र से संबंध है तो इसका संबंध है बीमा यानी कि इंश्योरेंस क्षेत्र से अब आपको दो तीन और संस्थाएं बताता हूं जो कि आपको याद रखना है जो भारत में टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको साठ में बोला जाता है ट्राई ट्राई के का हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है राम शर्मा दूसरा जो भारत में सिक्योरिटीज़ मार्केट का सबसे बड़ा अर्ग संस्था है गवर्निंग बॉडी है वो है सेबी सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय है मुंबई और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी इसके अलावा भारत में जो रूरल क्षेत्रों में जो फाइनेंशियल की सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है नबार्ड और नबार्ड का मुख्यालय पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम हर्ष कुमार बनवाला अगला है भारत में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक या सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको शार्ट में बोला जाता है एगजिम बैंक एगजिम बैंक का भी मुख्यालय है मुंबई में और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है डेविड रस्किना तो इतनी आपको संस्थाएँ और उनका हेडक्वार्टर और किस क्षेत्र से संबंधित हैं आपको याद रखना है अब आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हाल ही में एशियाई स्नोकर टूर किताब किसने जीत लिया तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ इस जो नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे हमारा जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है सुबह पाँच बजे अपलोड हो जाता है तो सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक फॉर एग्जाम